सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी वेख रहे हो निरपक्ष पोस्ट ते बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा अज दे इस खास फटाफट बुलेटिन दे विच। ते बुलेटिन दे विच आपां गलबात करांगे उन्हां खास खबरां दे बारे जो दिन भर दे विच चर्चा दा विशा बणियां हुंदियां। ते शुरुआत कर लैने आज दी पहली खास खबर दे नाल। ठंड दे विच स्कूल जाण वाले बच्चों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जिला प्रशासन ने एक बार फिर कड़ाके की ठंड कारण स्कूलों को बंद करने के हुक्म जारी किए। फैसला नर्सरी तो अठवीं तक के सारे ही बच्चों के लिए लिया गया। दरअसल ठंड के मद्देनज़र गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने नर्सरी तो अठवीं जमात तक के सारे ही स्कूलों के बच्चों 6 जनवरी तक छुट्टियां का ऐलान किया। गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने दसा कि कड़ाके की ठंड और संघनी धुंध कारण बोर्ड के संबंधित सारे स्कूलों के नर्सरी तो अठवीं जमात तक के बच्चों के लिए 6 जनवरी तक छुट्टियां ऐलान करने के हुक्म जारी किए गए हैं। तखन्ना तो बेहद ही मंदभागी खबर सामने आई, जिथे मुख बस स्टैंड के सामने बने फ्लाईओवर से भयानक अग लगी है, जिसकी लपटा दूर तो ही दिखाई दे रही हैं। दस दिए कि हादसा डीजल के नाल परे ट्रक में अग लगन के नाल वापरे। फायर ब्रिगेड दी गड्डियां मौके उत्ते पहुंच के इस घटना तो बाद लोगों के विच काफ़ी ज़्यादा हफड़ा दफड़ी का माहौल पैदा हो गया और हर कोई घबराया होया। फिलहाल खबर लिखे जाण तक यह गल भी निकल के सामने आई कि किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं होया। अग के भांबड़े मचण कारण लोगों के विच डर का माहौल जरूर पैदा होया, जिस करके लोग इधर उधर भजन लग पे। तो आसाम के कोलाकाट जिले के बुधवार सवेरे एक दर्दनाक हादसा वापरे। एक यात्री बस और ट्रक विचाले भयानक टक्कर के घट्टो घट 12 लोगों की मौत हो गई है। डेरगांव के बालीसिन इलाके के यात्रियों के भरी एक मिनी बस जी एक ट्रक के नाल टकरा जाती है, जिस घट्टो घट 12 लोगों की मौत हो जाती है। मरने वालों के बच्चे और औरतें भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक दस दिए कि हादसा NH 37 सवेरे करीब 5 बजे वापरिया, जो बस की ट्रक के नाल टक्कर हो जाती है। तो उधर हिट एंड रन कानून के विरोध के अज भी ड्राइवर ने कई थाई जाम लगाए ने। ड्राइवर ने लुधियाना के हाईवे जाम कर दिता है। मौके उत्ते पहुंची पुलिस ने सख्ती के नाल जाम खुलवाया। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारी थप्पड़ भी मारे। ड्राइवर ने लुधियाना नैशनल हाईवे उपर जाम लगाया से थप्पड़ मारन दियां कुछ तस्वीर सोशल मीडिया के उत्ते वायरल भी हो रही हैं। तदर हुशियारपुर के टांडा दारापुर रोड से रहने वाले एक बुजुर्ग के नाल ठगी की घटना सामने आई है। धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सोने के सिक्के सस्ते भाव वेचण के बहाने एक व्यक्ति और एक औरत ने 4,20,000 की ठगी जो इस बुजुर्ग के नाल मारी है। दस दें कि जदों इस बुजुर्ग ने सुनियारे के कोलों सिक्कियां की जांच करवाई तो सारे के सारे सिक्के ही जड़े ने नकली निकलते हैं, जिस तों बाद बुजुर्ग के वलों टांडा थाने के शिकायत दर्ज करवाई गई। मौके के उत्ते शिकायत मिलने तो बाद पुलिस के वलों लगातार ही इन्हां धोखाधड़ी करने वाले पति पत्नी की कह लो कि एक औरत और एक व्यक्ति की तलाश की जा रही है। तो उधर हिट एंड रन कानून लेके चल रहे हंगामे के विचकार मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के कलैक्टर और ट्रक ड्राइवर के विचकार गलबात की वीडियो वायरल हो गई है। कलैक्टर किशोर कन्याल मीटिंग के दौरान आपा गुआ बैठे थे एक ड्राइवर ने आख दिता कि तू की कर लेंगा, तेरी औकात की है। इस पर ड्राइवर के मोड़वे जवाब ने हर एक हैरान कर दिता। उसने किया सर चंगी तरह गल करो, यही तो चीज़ा ने, यही तो साड़ी लड़ाई है कि उन्हां दी औकात कोई नहीं है। दरअसल हिट एंड रन कानून के संबंधी केंद्र सरकार ने नवे कानून के विरोध में ड्राइवर हड़ताल के उत्ते सन और मंगलवार को इन्हां हड़ताली ड्राइवरों दा गलबात करन दे लई कलैक्टर दफ्तर दे विच मीटिंग की गई सी, जिस तों बाद अजिही वीडियो जिहड़ी है वायरल हो जाती है। तो यह सन अज दिन भर दी कुछ बहुत ही खास मुख्य खबर। इसे तरीके हर रोज़ ही बुलेटिन के रूप के तुहाडे नाल कुछ खास खबर साझियां करते रहेंगे। फिलहाल दे लई जुड़े रहो निरपक्ष पोस्ट के नाल। हुण मैनू दे इजाजत, धन्यवाद।